माँ बहनों की जो इज्जत करना नहीं जानता वो सरकार हमको नहीं चाहिए। देखो कोना कोना और गहलोत सरकार की तिजोरी में सोना ही सोना। देखिए पुलिस के दम पर ये सरकार कितने दिन बचेगी, देखते हैं पुलिस के दम पर कितने दिन सरकार बचती है। रावण कंस किया राम ने और कंस का किया कृष्ण ने और सोनिया कंस कर दिया। क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है जब राजस्थान की बहन बेटियां आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। इन्हीं की सत्ता के अंदर बैठे जो लोग हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार है। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद। बताए मैडम क्या हो रहा है यहाँ पे? फूंगी बेरी, ये गहलोत की सरकार है और ये आप देख रहे हैं कि पहला पड़ाव है और इस पड़ाव को हम तोड़ के ही रहेंगे और दूसरा भी आया उसको तोड़ के रहेंगे। माँ बहनों की जो इज्जत करना नहीं जानता वो सरकार हमको नहीं चाहिए। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद। गहलोत सरकार को मुर्दाबाद कहा जा रहा है। यहाँ पे सारे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। कितनी भीड़ जमा हुई यहाँ पे, आप देखिए चारों तरफ एक बार, आप दिखाइए कैसे यहाँ पे चीजें। मुझे ये बताया कि रैली वहाँ से चालू हुई, अभी कहाँ पे जा रही है अपनी रैली? ये सचिवालय जाएंगे और गहलोत सरकार के खिलाफ जाएंगे। गहलोत सरकार की तिजोरी में सोना ही सोना। देखो कोना कोना और गहलोत सरकार की तिजोरी में सोना ही सोना। तो जनता का भर रखा लूट लूट के खजाना अपना और गहलोत सरकार की तिजोरी में सोना ही सोना। अभी यहाँ पे सब कुछ बंद कर रखा है तो अभी क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? गहलोत जी ये समझ गए हैं कि भाजपा कार्यकर्ता बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ये राजस्थान की तमाम फोर्स अगर आ जाए तब भी इसको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ये जनता की अदालत है। ये जनता की अदालत के फैसले के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं और जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की तिजोरी का सोना गहलोत की तिजोरी में भरा हुआ पड़ा है। देखो कोना कोना और गहलोत की तिजोरी में सोना ही सोना। सर बताएं बीजेपी रैली निकाल रही है तो ये जन आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश, महिलाओं का आक्रोश, किसानों का आक्रोश, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का आक्रोश है। मैं देख रहा हूँ पीछे एक बैरिकेड तोड़ दिया है, अभी आगे तोड़ने की कोशिश चल रही है इनकी। देखिए पुलिस के दम पर ये सरकार कितने दिन बचेगी, देखते हैं पुलिस के दम पर कितने दिन सरकार बचती है। अभी आपका क्या कहना है, इसको तोड़ के आगे जाएगी? कोशिश करेंगे, नौजवान युवा कोशिश करेंगे, सरकार रोकेगी तो कोशिश करेंगे। बताएं सर क्या कहना चाह रहे हैं? बताएं। हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे बहता है, पानी ऊपर से नीचे बहता है। आज का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप जानते हो क्या हाल हो रहा है देश के अंदर, हर जगह भ्रष्टाचार, पानी ऊपर से। और एक जमींदार के दूध देती गाय 1 किलो, एक नौकर रख दिया उसने वो आधा पानी, फिर एक नौकर रख दिया, फिर और 3 पा पानी, चौथा रख दिया, फिर 4 पूरा और मूंछ लगा देता है। मूंछ देख रहे हैं सब में कैसे गुस्सा भरा हुआ है। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, सब यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस, क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस? हम चाहते हैं बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। यही मैं आपको बता रहा था कि क्या कहना चाह रहे कांग्रेस के? कंस किया राम ने और कंस का किया कृष्ण ने और सोनिया कंस कर दिया सत्ता। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अशोक गहलोत जी सरकार अपनी कुंभ निद्रा से जाग जाइए, क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है जब राजस्थान की सरकार बहन बेटियां आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगी और आपको इस सत्ता से विदा होना पड़ेगा। बताएं सर आज की रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज जो प्रदेश के कोने कोने से युवा आया है और उसकी एक ही मांग है, वो ये चाहता है कि उसके साथ जो चीटिंग हो रही है, वो चाहे रीट के अंदर हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर परीक्षा में हो, चाहे वो तृतीय श्रेणी भर्ती शिक्षक भर्ती के अंदर हो, उसके मांग को लेकर आज हम प्रदर्शन करने आए हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कितनी पुलिस हमें रोक रही है, हम हमारी जायज मांग को लेकर चल रहे हैं। हमारी जो जायज मांग है, हमारे रोजगार से संबंधित बात है, उसके लिए हम लोग अपनी बात को रखने के लिए गहलोत साहब के पास आए हैं। कभी वाटर कैनन से हमारे ऊपर ये पानी बरसाया जा रहा है, कभी लट बरसा रहे हैं, कभी ये पुलिस धक्काशाही कर रही है। ये प्रत्येक युवा के साथ उसके साथ अन्याय है और उस अन्याय के खिलाफ जब हम लड़ रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं की सत्ता के अंदर बैठे जो लोग हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार है, ये जो बोर्ड बना हुआ है उसके अंदर भ्रष्टाचार है। आज तक इन्होंने 16 भर्तियां कराई, एक भी भर्ती पूरी नहीं की। इस बात को लेकर हम सब लोग बड़े चिंतित हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं। आज मेरा जैसा युवा, हम चाहते हैं कि हमें सरकार नौकरी दे और सरकार को नौकरी करने के लिए हम लोग पहले फार्म भरते हैं, फिर सेंटर पर बैठने के लिए परिवहन का यात्रा भुगतते हैं, यात्रा किराया, और जब हम पेपर देकर बाहर निकलते हैं तो कहते हैं पेपर आउट हो गया। ये बहुत मुझे आप ये बताएं, इस रैली का मेन मकसद क्या है?
इस रैली का मेन मकसद भ्रष्टाचार जो हो रहा है शिक्षक भर्तियों के अंदर, चाहे वह रोजगारों को रोजगार देने की बात, जो 7 लाख रोजगार देने की इन्होंने जो बात करी थी, यही ये मकसद है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटाना और इन जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संवैधानिक संस्थाओं के अंदर अच्छे नियुक्ति की जाए, ट्रांसपेरेंट नियुक्ति की जाए, ताकि युवा को उसका प्रतिफल मिल सके। धन्यवाद।